राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ आज संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने राम मंदिर से लेकर आर्टिकल 370 तक का जिक्र। राष्ट्रपति ने कहा कि राम मंदिर की आकांक्षा सदियों से थी, जो इस साल पूरी हुई। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन का समापन भी राम राम कहकर किया। विपक्षी दलों को ना तो राष्ट्रपति का यह अभिभाषण पसंद आया, ना ही पीएम मोदी का भाषण। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीते दशक में मेरी सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को हर व्यवस्था का मुख्य आधार बनाया है। इसी का परिणाम है कि हम बड़े आर्थिक सुधारों के साक्षी बने हैं। इस दौरान देश को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड मिला है। देश को जीएसटी के रूप में एक देश एक टैक्स कानून मिला है। अमृतकाल, अनुच्छेद 370 और राम मंदिर निर्माण, राष्ट्रपति के जबान से निकले इन शब्दों पर सियासी घमासान छिड़ गया। बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण ने विपक्षी दलों को गुस्से से भर दिया। राष्ट्रपति ने अमृतकाल से शुरुआत की पर समापन में राम राम कह दिया। आज की अमृतकाल की शुरुआत में ये भव्य भवन बना है, यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है। बस इतने भर से राजनीति में कोहराम मच गया। विपक्ष ने सवाल दागा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र क्यों नहीं आया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से अपना विज्ञापन क्यों करवाया। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण केवल मोदी जी का गुणगान गाना और अपने सरकार के ओर से बनाए हुए जो दस्तावेज थे उसी की वो तारीफ करना, यही हो सकता है उनको आदेश होगा, तो वही उन्होंने वहां पर अपने एक घंटा 20 मिनट के भाषण में दिया। देखिए, राष्ट्रपति का जो भाषण था उसमें जो है अपनी उपलब्धियों को सिर्फ बताया, अपनी पीठ ठोकी, हमने ये क्या, बस यही होता रहा और सब ताली बजाते रहे। हाँ, जब राम मंदिर का प्रकरण आया हमने भी ताली बजाई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा कि भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हम खुद चाहते, सोनिया जी ने ताली बजाई। देश में जो लोकतंत्र, संविधान और संसद पर भाजपा और आरएसएस के द्वारा जो हमला किया जा रहा है, उसको लेकर हमारी अपेक्षा थी कि आदरणीय राष्ट्रपति जी अपनी भाषण में चिंता व्यक्त करेगी, लेकिन उनके भाषण में इसका भी विवरण होना चाहिए था कि इस नए सदन में अब तक लोकतंत्र को कैसे रोंगा जा रहा है। चुनाव के वक्त कहा था, काला धन वापिस आएगा मित्रों, यूं ही सबके अकाउंट में 15-15 लाख आ जाएंगे। आज 10 साल खत्म होने के बाद काले धन का कोई हिसाब किताब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं था। हर साल 2 करोड़ नौकरियां खोल दूंगा, आज के अभिभाषण में राष्ट्रपति जी के स्वीकार किया है सरकार ने कि 2 करोड़ भूल जाओ, ये 10 साल में 20 करोड़ भूल जाओ, कुछ लाख नौकरियां दी है। बजट सत्र में शिरकत के लिए संसद में दाखिल होने से पहले पीएम मोदी ने भी विपक्ष को पिछले सत्र के हंगामे की याद दिलाई और उन्हें हुड़दंगी की उपमा दे दी। लेकिन कांग्रेस ने इसको लेकर भी सत्ता पक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अग्निपथ योजना को लेकर भी पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा
कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने जो किया, अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा। मैं बोलूंगा कि ये अभिभाषण जो उन्होंने दिया वो एक प्रोपेगेंडा और एडवर्टाइजमेंट मोदी जी का उसमें दिखने लगा और पूरा पॉलिटिकल था। मैं बस यही कहूंगी कि राष्ट्रपति वही बोलते हैं जो सरकार उनको कहलवाती है, पर आपको याद होगा 10 साल पहले जब मोदी जी अपना चुनावी कैंपेन लड़ रहे थे, उन्होंने रोजगार बनाएंगे उसकी बात कही थी, महंगाई कम करेंगे उसकी बात कही थी, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे उसकी बात कही थी, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे उसकी बात हुई थी। इन 10 सालों में इन सारी चीज़ों पर किसी तरीके के हमने राष्ट्रपति के भाषण में नहीं सुना। एक सेवानिवृत्त जनरल अपनी पुस्तक में बताते हैं कि वो खुद हैरान हो गए जब इस स्कीम के बारे में उन्होंने देखा। तो जाहिर सी बात है कि अग्निपथ स्कीम सेना के अधिकारियों की सलाह से नहीं हुआ, ये एक ऐसे दिमाग की उपज है जो सेना को सलाह देता है कि साहब बादल हैं, रेडार पे कुछ दिखेगा नहीं, हमला बोल दो। देश के प्रधानमंत्री तो व्यस्त है, किस चीज में व्यस्त है? सेना की यूनिफॉर्म पहन के कैमरा के सामने शूटिंग में व्यस्त है, कभी तोप के सामने, कभी किसी मिसाइल के साथ पोज देते हुए। इस सब के लिए समय है प्रधानमंत्री के पास, लेकिन इन नौजवानों के लिए समय नहीं है। मोदी सरकार का दावा है कि पिछले 10 सालों में देश का जितना विकास हुआ है उतना इससे पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इससे झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। ये सवाल भी दाग रहे हैं कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर का रिकॉर्ड किस सरकार के दौरान हुआ। प्रशांत देव के साथ संजीव त्रिवेदी, दिल्ली न्यूज 24।